नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कूलर की मोटर के सॉकेट बुश कैसे डालते हैं, यानी कि कूलर की मोटर में सॉकेट बुश कैसे डालते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो बिना समय खराब करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। इस मोटर को एक बार फिर से चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसके सॉकेट बुश बिल्कुल कट चुके हैं, ये घूम नहीं पा रही है और इसमें से घूम घूम का साउंड भी आ रहा है। देखिए दोस्तों, नहीं, इसे आज से टल्ली दे के घुमा रहा हूँ फिर भी नहीं घूम पा रही। तो हम इसको, इसके इन चारों बोल्टों को खोल लेते हैं और स्टेटर और रोटर को अलग अलग कर लेंगे ढक्कन खोल के। ये देखिए दोस्तों, मैंने चारों बोल्टों को खोल लिया है। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये देखिए दोस्तों, मैंने मोटर को खोल लिया है। देखिए दोस्तों, इसके बुश बिल्कुल कट चुके हैं, ये ऊपर नीचे आगे पीछे होने के कारण पता चल जाता है कि सॉकेट बुश कट चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी ये रगड़ खा के चल रहा था सॉकेट बुश कटने के कारण। तो दोस्तों, इन रिपटों को खोलने के लिए हमें एक बुश की आवश्यकता पड़ेगी और एक ये सोमो की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसकी जगह पे कोई कीला वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है, नुकीली चीज लेनी है और हैमर की सहायता से इन रिपटों को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, सोमा बारीकी होना चाहिए, यदि मोटा होगा तो होल ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा और रिप्ट उसमें फैल नहीं पाएगी। दोस्तों, मैं हैमर की सहायता से इस पर हैमर मारूंगा और हैमर मार के इन रिप्टों को बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से रिप्ट निकल चुकी है। साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, मैं इस प्रकार सभी रिप्टों को बाहर निकाल लेता हूँ। वीडियो अंत तक देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो देखने के बाद में आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखे दोस्तों, हमारी लास्ट रिप्ट और बची है, लगभग हमने सभी रिप्टों को काट दिया है। ये हमने रिप्टे काट लिए है, हम इसे सीधा कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे ढक्कन के भी काट लेते हैं। ये हमारा ये स्प्रिंग है, इसे अच्छे से साफ कर देना है। ये हमारा पुराना वाला बुश है, इसे निकाल के बाहर फेंक देना है। तो इसी प्रकार से मैं दूसरे ढक्कन के बुश को भी रिप्टे काट के बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों को बाहर निकाल लिया है और ये नए बुश हैं हमारे हाथ में। ये पुराने बुश हैं, ये पुराना वाला बुश हैं और जो ये दोनों हैं ये नए वाले बुश हैं। हम इन बुशों को डालेंगे। दोस्तों, इन रिप्टों की जरूरत पड़ेगी न्यू रिप्ट की। ये स्प्रिंग है, मैंने अच्छे से इनको साफ कर लिया है, इन नमदों को भी। तो दोस्तों, रिप्ट ठोकने से पहले सभी होलों को आपस में देख ले कि होल सेंटर पे हैं या नहीं।
ये देखिए दोस्तों, मैं इसे सापट की सहायता से ठोक देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आमने सामने रिफ्ट ठोकने से क्या होगा, ये हमारी कैप है वो ऐसी किसी रुकी रह जाएगी, हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए पकड़ने की, नहीं तो एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा यदि ऐसे ही ठोकोगे तो, और एक कैप भी सही तरीके से नहीं बैठ पाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे अच्छे से ठोक लेता हूँ। इसमें छह रिफ्ट हैं, टोटल छह का छह को ठोक लेता हूँ एक एक करके। दोस्तों यदि आप भी रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं आपके लिए पर डे एक न्यू वीडियो लाता रहूँगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा बूस्ट के कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। हम इसमें इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही एक और बूस्ट ठोक लेंगे। दोस्तों होलों को सेंटर पे ही रखना है, सारे होलों को एक बजे सेंटर पे देख लेना चाहिए, नहीं तो किसी किसी छेद में आ जाएंगे और किसी छेद में आउट रहेगा। देखिए दोस्तों, आमने सामने रिफ्ट ठोक लेते हैं। दोस्तों आपने सीलिंग फैन वाइंडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके और जो मेरे मैंने अपलोड किए हैं उन वीडियो को आप देख सकते हो, या चैनल पर जाके वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं आपका समस्या का समाधान करूंगा यदि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही हो तो। तो ये देखे दोस्तों, ये लास्ट रिफ्ट हैं, ये भी टूटने वाले हैं। ये देखे दोस्तों, हमारा ये बूस्ट के दोनों ढक्कनों में कंप्लीट हो चुका है, तो बूस्ट का काम कंप्लीट कर लिया है। हम इसमें सापट डालेंगे, तो डालने से पहले सापट को निकालना पड़ेगा। तो हम इसके पाइपों को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों पुराने वाले सापट को आप पत्थर पे किसी पे भी ठोक के और बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जो नया सापट है उसे पत्थर पे नहीं ठोकना है, और ना सापट खराब हो जाएगा, वो क्या है फूल जाएगा, उसमें पच्ची पड़ जाएगी, इसलिए आप लकड़ी के गुत्ते का इस्तेमाल करें। तो देखिए दोस्तों, ये हमने एक न्यू सापट ले लिया है, अब हम इसे लकड़ी के गुट्टे पे ठोकेंगे। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया आसानी से सापट हमारा ठुक रहा है। ये हमारा पाइप भी डाल दिया है हमने। ये देखिए दोस्तों, इसका सेंटर अच्छे से देखना है, जो सापट पे कट होता है वो और उसका कट बुरा बुरा होना चाहिए। यदि आप सापट वाली की सीख भी बाहर निकाल दोगे तो उधर पीछे ढक्कन के टकरा जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, इस कट को सेंटर पर रखना है, उसके जो कट रहता है उसके और
सॉफ्ट के कट गए, ये कट गए ना यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है, ये देखे दोस्तों। दोस्तों बहुत से क्या गलती करते हैं, बिना नाप लिए ऐसे ही डाल देते हैं, तभी उनके सॉफ्ट बूस चपक जाते हैं। यदि सॉफ्ट आधे बूस पे आएगी तो पिछले वाले बूस की कटिंग हो जाती है। तो दोस्तों इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें और अलाइनमेंट अच्छे से मिला के लगाएं। तो हम इस मोटर को पैक कर लेते हैं। देखें दोस्तों ये ढक्कन उल्टा लग चुका था इसलिए नहीं आ रहा था, अब मैंने इसे वापस से सुलटा कर दिया है। दोस्तों मोटर खोलने से पहले आप इस पे मार्क कर दे ताकि पता चल जाए कि हमारा ढक्कन उल्टा है या सुलटा या कहाँ से फिटिंग होएगा। ये देखें दोस्तों आप भी मशीन का ऑयल डालें, इससे क्या है बस अच्छे से सर्विस निकाल दे। यदि आप जो बाइक वाला ऑयल आता है, बाइक इंजन का ऑयल या हल्का ऑयल, तो उसे डालोगे तो वो जल के और इसमें ब्लैक हो जाएगा, तो वापस से सॉफ्ट बूस चपकेंगे। लेकिन ये मशीन का ऑयल है, ये ब्लैक नहीं होता, ये ब्लैक सूख जाता है धीरे धीरे करके। दोस्तों हमने इसमें भी ऑयल डाल लिया है। दोस्तों आप वाशर पाइपर के यूज करें। देखिए दोस्तों ये फाइबर के वाशर इसमें क्या आते हैं, दोस्तों हम ढक्कन लगा के पले चेक करेंगे मोटर को पैक करने से पहले। ये देखिए दोस्तों हमारे मोटर में भी काफी पले हैं, दो तीन वाशर और लगेंगे। तो पहले मैं इसमें दो वाशर लगा के देखता हूँ, यदि दो वाशर लगाने पे पले खत्म हो जाती है तो फिर मोटर को पैक कर देंगे। हल्की सी पल्ले होना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों दो वाशर लगा लिया है, मैं फिर से पल्ले देखता हूँ इसमें, अभी भी पल्ले हैं, तो एक वाशर और रख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों अब हमारा काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों काम हो गया है, अब हम इसे पैक कर लेंगे। देखिए दोस्तों मैं इसके सभी बोल्टों को लगा देता हूँ। दोस्तों बोल्टों को बराबर कसना है, बराबर कसना है ताकि मोटर का अलाइनमेंट अच्छे से बैठ सके, अन्यथा हमारी मोटर घूमेगी नहीं। एक हाथ से सॉफ्ट को घुमाना है और एक हाथ से बोल्ट को कसना है, ऐसे करके सभी बोल्टों को टाइट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों हमने मोटर को लगभग पैक कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों मैं इसे टाइट कर लेता हूँ गोटी की सहायता से। देखिए दोस्तों हमारा शाफ्ट अच्छे से घूम रहा है, चारों बोल्टों को टाइट कर लेता हूँ मैं। देखिए दोस्तों हमारा भी शाफ्ट भी घूम रहा है। तो हमने मोटर को पैक कर लिया है, अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा मोटर चल गया है और बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों कितना अच्छे तरीके से चला है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।